लालू प्रसाद यादव के बिहार आने और ना आने को लेकर पार्टी और परिवार के अंदर भी पूरी जानकारी नहीं है। कभी राष्ट्रीय जनता दल के किसी बड़े नेता की तरफ से कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव बिहार आने वाले हैं और उपचुनाव में वे प्रचार भी करेंगे, तो फिर इसके बाद अचानक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ से कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आएंगे, तो वहीं इसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा जाता है और इसको लेकर कुछ ट्वीट किया जाता है जिसके जरिए संदेश दिया जाता है कि लालू प्रसाद यादव बिहार आने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव के बिहार आने को लेकर उसी समय खबर मिलने लगी जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उपचुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई थी उसमें सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का नाम लिखा गया था। इसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेता और प्रवक्ता बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव 20 तारीख को बिहार आने वाले हैं और इसके साथ ही वे विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि इसके बाद राबड़ी देवी ने जब कहा कि लालू प्रसाद यादव का दिल्ली में इलाज चल रहा है और वे बिहार नहीं आएंगे, तब फिर यह साफ हो गया कि लालू प्रसाद यादव बिहार वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन इसके बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और लिखा है कि गरीबों के मसीहा को बिहार आने में देर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और अब एक बार फिर से लालू यादव के बिहार वापसी की खबर सुनकर जदयू और भाजपा सवाल उठाने लगी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले जानिए कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव के बिहार वापसी को लेकर क्या कुछ लिखा है जिसके सहारे अब लालू यादव के वापसी को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचारियों का मसीहा बेचैन है, गरीबों के मसीहा की कदमों की आहट सुनकर। इसके बाद से उन्होंने लिखा कि एनडीए को धूल चटाने आ रहे हैं, जनादेश चोरों के राजा भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार को सबक सिखाने आ रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से चर्चा हुई कि क्या लालू प्रसाद यादव 20 तारीख को बिहार वापस आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मीडिया से कहा था कि लालू प्रसाद यादव 20 तारीख को पटना वापस आएंगे और पटना आने के बाद वे तारापुर तथा कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रचार भी करने जाएंगे। इसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव 20 तारीख को बिहार वापस आ जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बाकायदा उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे यह अंदेशा को और अधिक बल मिल जाता है। अगर लालू प्रसाद यादव को बिहार वापस नहीं आना था तो फिर राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें स्टार प्रचारक क्यों बनाया। दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी लगातार बोलते रहे कि पिताजी अब पटना वापस आने वाले हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मतलब कि तेज प्रताप यादव को भी यह खबर थी या उन्हें यह अंदाजा था कि लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं, और तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पूर्व ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में जाकर मुलाकात की थी। जब लालू प्रसाद के बिहार आने की चर्चा तेज हुई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके चुनाव प्रचार करने पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि अगर वे चुनाव प्रचार करेंगे तो यह कानून का माखौल उड़ाने जैसा होगा। इसके बाद से खबर थी कि लालू प्रसाद यादव को बेल उनके खराब स्वास्थ्य कारणों से मिली हुई है, तो हो सकता है कि अगर वे चुनाव प्रचार करेंगे तो कोर्ट की तरफ से इसका संज्ञान लिया जाए। खबर यह भी आई कि इसी कारण लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आ सकते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर एक बार फिर से यह संकेत दिया है कि लालू यादव बिहार वापस आने वाले हैं। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि भ्रष्टाचारियों के बीच में पितामह, अब तेरी खैर नहीं, गरीबों के मसीहा को बिहार आने में देर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार लालू प्रसाद यादव को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने भी राष्ट्रीय जनता दल पर ही निशाना साधा है। उन्होंने भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने स्वास्थ्य कारणों के लिहाज से बेल मांगी है और लालू प्रसाद यादव के खराब स्वास्थ्य के कारण कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, ना कि चुनाव प्रचार करने के लिए। इसके अलावा जदयू की तरफ से कहा गया है कि अभी तो उनके परिवार के अंदर ही सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है और ऐसी स्थिति में यह समझना भी मुश्किल है कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के घर वापसी की खबर को सुनकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता यूनाइटेड की बेचैनी बढ़ती है, लेकिन वे सरकारी नियमों का हवाला देकर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव प्रचार नहीं कर सकते। फिलहाल अभी भी लालू यादव के बिहार आने को लेकर असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है और क्या लालू यादव चुनाव प्रचार करेंगे इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना दी जाती है
तो हम उसे आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।